हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें मैं जानती हूँ कि अमीना भी जो है वो सबीन से बात किए बगैर नहीं रहेंगी, लेकिन जब भी किसी का फोन आया तुम यही कहना कि सबीन तुम्हारे साथ है और खैरियत से। अच्छा ठीक है, लेकिन ये ड्रामा मैं ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकता। आप तो जानती हैं सबीन की वजह से मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बेटा देखो, कुछ दिनों तक तो हमें यही करना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा। हेलो, व्हाट? लेकिन लेकिन कैसे? कौन से हॉस्पिटल में? मैं आती हूँ अभी। क्या क्या हुआ? सब सब खैरियत है? कुछ नहीं, नहीं। मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल में, अभी वहीं से फोन आया था। वो उन्होंने बोला कि वो सीरियस हालत में है, मुझे मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। लेकिन लेकिन ये सब कैसे हो गया? मुझे अगर उनको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ड्राइवर ऐसा करे, पहले हॉस्पिटल चले। पराए तकिए पर सर रखकर तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी अभी के अभी। सबीन अहमद, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। चला गया खुर्रम तुम्हारी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया उसने तुम्हें, तलाक दे दी तुम्हें उसने। चलो उठो, चलो उठो, तुम भी चलो, जाओ निकलो यहां से। मम्मी मेरा क्या कसूर है? खुर्रम ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अपने आप को बहुत बुलंदी पे देखना चाहती थी ना, कैसे मुंह के बल आके जमीन पे गिरी, देखा तुमने? और ये जो राफे के साथ अपने नाजायज रिश्ते का इल्जाम तुमने मुझ पे लगाया था, ये सब उसी का सिला है। याद रखना मेरी बात, एक गैरतमंद शौहर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही, अगर मैं होती ना खुर्रम भाई की जगह तो तुम्हें शायद जिंदा ही ना छोड़ती। खयाम तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, वो भी जान चुका है कि तुम एक बदकिरदार औरत हो। जब ही तो उसने खुर्रम को बुलाने में यहाँ मेरी मदद की कि तुम जैसी गलाजत को जल्द से जल्द घर से बाहर फेंका जाए। खयाम भाई तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, इसलिए चले गए यहाँ से। मेरा किसी के साथ कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। खयाम तो मुझे खुद खुर्रम के पास अमेरिका भेज रहे थे, फिर वो मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तुम्हारे मासूम चेहरे के सामने धोखा खा गया था ना खयाम भाई, इसीलिए तो इतने मेहरबान हो रहे थे तुम पर। अरे नेक और पारसा औरतें फकीर के घर को भी महल बना देती हैं, समझी तुम? तुमने तो अपनी बदकिरदार होने की वजह से घर को तबाह कर दिया।
मेरा अल्लाही मेरा गवाह और मेरा वकील है। मैं आप लोगों को अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे सकती। हमने तो तुमसे कोई सबूत मांगा भी नहीं है। याद रखना तुम, इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना तुमने। अपनी मनहूस शक्ल लेके निकल जाओ यहाँ से, अभी चली जाओ, जाओ निकलो, चलो फिर कभी ना आना यहाँ। जो भी चाहा ना मिला, हर खुशी से फासला, मुस्कुराने की कोई ना बचा। बेबसी में है घिरी मेरी सारी जिंदगी, ख्वाब सारे सो गए सबीन भाभी यहाँ कैसे? अभी तक तो उनका जहाज उड़ भी गया होगा अमेरिका के लिए। आसिया, मैंने अभी सबीन को देखा है, वो परेशान कहीं दौड़ी चली जा रही। बीबी, लगता है सारा दिन अस्पताल में रहने के बाद दवाओं ने गलत असर करना शुरू कर दिया। या अल्लाह, मेरे सबीन को खैरियत से पहुंचाना, उसको कोई तकलीफ ना आने देना। या अल्लाह। आप आराम करें। माँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम बीबी जान और खयाम भाई को ये क्यों बताएं कि सबीन खुरम भाई के साथ अमेरिका जा चुकी है। हम उन्हें सीधा सीधा ये क्यों नहीं बता सकते कि खुरम भाई ने सबीन को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया उसे। अरे बेवकूफ लड़की, अगर खयाम को पता चल गया ना कि खुरम यहाँ आया था, उसने सबीन को तलाक दे दी, तो छोड़ेगा नहीं वो हमें। तो आखिर कब तक हम ये बात छुपाएंगे? किसी ना किसी दिन तो ये बात सामने आएगी, जब सही वक्त और सही मौका होगा तो मैं खयाम को उसकी बद किरदारी के किस्से सुनाऊंगी और तलाक के बारे में बता दूंगी। लेकिन मुझे तो ये डर है कि कहीं वो सबीन की हमदर्दियों में अपना दिल ही नहार बैठे। मॉम, वैसे राबिया आंटी और सबीन की बहनों को इसकी तलाक कभी हजम नहीं होगी। अगर वो लोग यहाँ पर खयाम भाई की हमदर्दियां बटोरने आ गए तो? इसकी तुम फिक्र ना करो, हमने जो आग भड़का दी है खयाम के खिलाफ सबीन के दिल, वो आग बुझेगी नहीं, वो उसको कभी भी नहीं आने देगी। सच ये है, जैमी ही मेरी बीवी है और सिर्फ मैंने इसी से शादी की है। तुमसे तो मैंने सिर्फ एक समझौता किया था जिसे अब खत्म करना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सही कह रहा, ना सिर्फ तुम खयाम भाई के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती थी, बल्कि तुम्हारे तो और भी दूसरों के साथ नाजायज ताल्लुकात पहले से थे। चला गया खुर्रम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, छोड़ दिया उसने तुम्हें, तलाक दे दी तुम्हें उसने। खयाम तुम्हारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, वो भी जान चुका है कि तुम एक बद किरदार औरत हो। जबी तो उसने खुर्रम को बुलाने में यहां मेरी मदद की कि तुम जैसी गलाजत को जल्द से जल्द घर से बाहर फेंका जाए। सबीन, तुम इस वक्त यहाँ?
और तुम रो क्यों रही हो? तुम तो आज अमेरिका जाने वाली थी ना? अब मैं अमेरिका कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कोई खुरम ने मुझे तलाक दे दी। क्या? उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, तुम रो मत, अंदर आ जाओ। थक गई मैं तो। या अल्लाह, आसिया गिलास ले आओ। चलो यहाँ पड़ा है। बीबी, कैसा रहा अपॉइंटमेंट? अरे पूछो मत, वो लोग तो हमें आने ही नहीं दे रहे थे। पता नहीं क्या चाहते थे हमसे। डॉक्टर पता नहीं क्या कर रही थी। असल में वो रुखसाना, डॉक्टर रुखसाना जो है वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, तो इसलिए जब तक उसको तसल्ली नहीं हो जाती ना, वो किसी को जाने नहीं देती। खाक तसल्ली नहीं होती। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुमने सबीन को बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुंचा दिया था? हाँ हाँ पहुंचा दिया था, अब तक तो वो बड़ी दूर जा चुकी होगी। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना उसे? अरे मेरे होते उसे क्या परेशानी होगी। चलो शुक्र है, अल्लाह ताला ने सबीन को उसके नसीब की खुशियाँ दे दी। अब अल्लाह करे खुर्रम के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सके, मेरी तो यही दुआ है इसकी। अच्छा आप थक गई होंगी, जाए जाके आराम करो। जाए करती हूँ आराम। मासिया सामान रख रही कमरे में, पता नहीं क्या दवाएं देती, पता नहीं क्या कर रही थी। सामान तक उसके पास सही नहीं था, कभी अंदर बिठा रही कभी बाहर बुला रही। पागल डॉक्टर के पास भेजा था, आइंदा उसके पास मत भेजना, मुझे मत भेजना। लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आई? सारा रात को तुम्हें तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया। अल्लाह मियां से इसका हिसाब लेगा। अम्मी उन्होंने मुझ पर न जाने कितने बेबुनियाद इल्जाम लगा दिए, मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। उन्होंने मुझसे ये एहसास छीन लिया कि मैं भी एक इंसान हूं। मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे हैं। अरे मैं तो मदिहा का रिश्ता लगाने चली, पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। अम्मी खयाम भाई भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बराबर के हिस्सेदार हैं। उन्होंने मेरे थामन की पाकीज़गी को अपने झूठ से दागदार कर दिया। मैं भी कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन सबीन खयाम तो ऐसा नहीं था, वो तो तुम्हारा बहुत हमदर्द था और तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तो हमारा सहारा बन गया। अभी वो सब दिखावा था, वो लोग हमें नाली के कीड़े से भी ज्यादा अहमियत देने के रवाना नहीं है। मैं इन सबको बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। सबीन तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, खयाम ऐसा नहीं कर सकते, उनका दिल तो बहुत साफ और शफाफ है। वो सब एक जैसे हैं मधिया, मैं नहीं चाहती कि जो गम मैंने वहां बर्दाश्त किए मेरी बहन उन मुश्किलों से गुजरे। अच्छा तुम मत रो, मैं मुनीरा बहन से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, मुझे उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना, वहां पे कोई भरोसे के लायक नहीं है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी। बीबी वो एक इमरजेंसी हो गई थी, मैं आज रात वापस नहीं आ सकूंगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। चले मैं आपसे सुबह बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। आई एम सॉरी खयाम, मॉम डैड के एक्सीडेंट की वजह से आप घर नहीं जा सके, आपकी फ्लाइट मिस हो गई। आई एम रियली सॉरी। मेरा घर पहुंचना इतना जरूरी नहीं था जितना कि आपका यहाँ पर होना। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। बस आप दुआ करें कि आपके मॉम डैड जल्दी ठीक हो जाएं और उन्हें ज्यादा इंजरीज ना। डॉक्टर डॉक्टर, मॉम डैड की तबीयत कैसी है? देखें अभी हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले कुछ कह नहीं सकते। आप लोग ऐसा करें कि कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जाके काउंटर पे साइन कर लें प्लीज। थैंक यू। अम्मी, सबीन की तलाक के पीछे जरूर कोई और वजह, वो खयाम पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो जो कुछ भी हुआ है हमें पता ही चल जाएगा, लेकिन जो कुछ सबीन के साथ हुआ मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो गई। अब अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, कुछ भी नहीं होगा। आप बस सबीन की बातों पे भरोसा मत करें। मलिया की फिक्र हो रही है। अरे सबीन को उसकी नजरों से कैसे छुपा, वो तो घर में आएगी तो तूफान खड़ा कर देगी। अम्मी वैसे मलिया ठीक कहती है, सबीन को हमसे कोई लगाव नहीं, और अगर उसकी तलाक हो गई तो उसमें खयाम का क्या कसूर है? मैं तो कहती हूँ आप उसको यहाँ से निकाल दें। कैसे घर से निकाल दूँ, कहाँ जाएगी वो? वो कहीं भी जाए, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। मरिया अगर तुम्हें ठंड लग गई तो फिर बुखार हो जाएगा, मेरी चादर ओढ़ लो। लेकिन अमीना भी आपको भी तो सर्दी लग सकती है। तुम मेरी चादर ओढ़ लो, मैं अंदर से अपने लिए दूसरी चादर लेकर आती हूँ। ठीक है। बेबी अभी तो सबीन भाभी को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और आप उन्हें याद कर करके रो रही हैं। आसिया, सबीन के साथ अपना यद का जो रिश्ता जो किया था उसके टूटने का बहुत दुख हो रहा है। बेबी सबीन भाभी हमें छोड़कर थोड़ी ना गई हैं, कुछ ही अरसे के बाद वापिस आ जाएंगी और देखिएगा वो हमसे मिलने जरूर आएंगी। तुम्हें तो पता है खुरम यहाँ नहीं आता, सबीन से मिले बगैर मैं नहीं रह सकती। मैं सबीन को राजी करूं, वो खुरम को यहाँ ले आए। अच्छा चलें, अब आप ये दूध पी लें। यहाँ रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। मुनीरा मैडम के कहने से पहले सबीन भाभी ने मुझे कह दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरी बीबी का ख्याल तुमने ही रखना है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची, मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मैं तो अकेली पड़ गई। मैं कुछ देर यहाँ बैठूंगी, मुझे यहाँ से उसकी खुशबू आ रही। तुम जाओ, मुनीरा नाराज होगी तुम्हें न पाकर। जाओ। जहाँ रहो मेरी बच्ची, खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।